तो डियर बच्चों, जो हमारा फर्स्ट क्लास का जो हम ईवीएस का चैप्टर पढ़ रहे हैं, आवर हाउस, जिसमें हम हमारे घर के बारे में पढ़ रहे हैं, हमारे घर की चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अब हम इसमें पढ़ेंगे कि हमारे रूम्स क्या क्या होते हैं, किस तरह के रूम्स हमारे घर में होते हैं, क्या क्या उनका यूज होता है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, हम रीड करते हैं और फोटोज देखते हैं कि किस किस तरीके के रूम्स हमारे घर में होते हैं। रूम्स इन अ हाउस, किस किस तरह के रूम्स हमारे घर में हैं। देयर आर डिफरेंट रूम्स इन आवर हाउस, अलग अलग तरीके के बच्चों रूम होते हैं हमारे घर में। ईच रूम हैज इट्स ओन यूज, हर रूम का अपने हिसाब से एक अलग तरीके का यूज होता है। वी सिट एंड टॉक टू, अब हमारा जो सबसे फर्स्ट, जो सबसे पहला रूम हमारे पास में है वो कौन सा है बच्चों? वी सिट एंड टॉक टू गेस्ट इन द ड्रॉइंग रूम। आपने देखा होगा बच्चों, जो हमारे मेहमान हमारे घर में आते हैं, वो हमारे घर में आके बाहर सोफे पे बैठते हैं। बाहरी बाहर का रूम होता है जहाँ पे सारे गेस्ट आते हैं, हम उनसे मिलते हैं, जो भी बाहर के लोग आते हैं हम उनको वहां बिठाते हैं। ठीक है, तो वो हमारा रूम कौन सा होता है? हमारा ड्रॉइंग रूम होता है। ठीक है बच्चों, हमारे जैसे बुक में हमें फोटो भी दी गई है कि एक सोफा रखा हुआ है, ठीक है, एक टेबल रखी हुई है। जरूर आपके घर में भी एक ऐसा रूम होगा जहाँ पे हम बैठते हैं, हमारे घर वाले सारे बातचीत करते हैं, हमारे जितने भी गेस्ट आते हैं हम उनसे भी वहीं पर मिलते हैं। तो ये हमारे रूम में सोफा रखा होता है, टेबल रखी होती है। इसके बाद जो हमारा रूम आता है बच्चों, वो कौन सा होता है? हमारा किचन। कौन सा? किचन। वी कुक फूड इन द किचन। क्या करते हैं बच्चों? हम खाना पकाते हैं। किसमें? हम खाना पकाते हैं किचन में। तो किचन जो होता है ये हमारा सेकंड रूम होता है। किचन देखो इस तरीके का दिखता है, हमारे किचन में गैस रखी होती है, सिलेंडर रखा होता है और हम खाना बनाने का काम किचन में करते हैं। तो सेकंड रूम हमें जो दे रखा है वो किचन है। उसके बाद में हमें गिवन है डाइनिंग रूम। कौन सा बच्चों? डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम बच्चों कुछ इस तरीके का दिखता है, जिसमें क्या होता है, एक टेबल रखी होती है, चेयर्स रखी होती है और उसका काम क्या होता है, हम रीड करें। वी ईट आवर मील्स इन द डाइनिंग रूम। जो भी हमारा खाना होता है ना बच्चों, वो हम कहाँ खाते हैं? वो हम खाते हैं हमारे डाइनिंग रूम में। कहाँ खाते हैं बच्चों? हमारे डाइनिंग रूम में हम हमारा सारा खाना खाते हैं, जिस रूम में हम सारे घर वाले मिलते हैं, बैठते हैं और हमारा लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, वो सारी चीज़ें हम हमारी पूरी करते हैं। उसके बाद में हम रीड करें तो हमें क्या गिवन है बच्चों? वी ब्रश आवर टीथ एंड टेक बाथ इन बाथरूम। क्या? हम वी ब्रश आवर टीथ, हम हमारे टीथ ब्रश करते हैं, ठीक है, और हम हमारी बाथ लेते हैं, यानी जो हम नहाते हैं उस रूम को हम क्या कहते हैं बच्चों? उस रूम को हम क्या कहते हैं? बाथरूम, यानी जहाँ हम नहाते हैं, हम ब्रश करते हैं, हम जितनी भी ये सारी चीज़ें करते हैं वो किस में करते हैं हमारे? वो हम हमारे करते हैं बाथरूम में। उसके बाद में हमारे पास में ये है स्टडी। क्या है? स्टडी। आप इसको रीड करिए, वी स्टडी इन स्टडी रूम। हम स्टडी रूम में क्या करते हैं बच्चों? हम स्टडी रूम में पढ़ाई करते हैं। जितनी भी हम टेबल चेयर रखी होती है, हमारी सारी बुक्स रखी होती है, ये सारी जितनी भी चीज़ें होती है वो कहाँ होती है बच्चों? वो हमारे स्टडी रूम में होती है। किस रूम में होती है? स्टडी रूम में। तो हमारे पास में क्या होता है, हमारी बुक में हमें गिवन है जो हमारा बेडरूम होता है। वी रेस्ट एंड स्लीप इन द बेडरूम। हम क्या करते हैं? हम रेस्ट करते हैं, हम आराम करते हैं, ठीक है, जो भी हमारी आराम की चीज़ होती है, जैसे बेड हुआ, हमारे पिलो हुए यानी तकिए हुए, हमारी बेडशीट हुई, वो सब हमारे बेडरूम में रहती है। तो मैंने यहाँ क्या किया है, मैंने यहाँ पे सबकी स्पेलिंग्स भी आपको दे रखी है, ठीक है, सारे रूम्स भी मैंने एक बार में इकट्ठे लिख रखे हैं और मैंने आपको फोटोज भी दिखा दी जिससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो हम वर्ड के हिसाब से देखें, ड्राइंग रूम जहाँ पे हमारे सारे गेस्ट बैठते हैं, किचन जहाँ पे हम हमारा खाना बनाते हैं, हम स्पेलिंग भी याद करते हैं, DRAWING, ड्राइंग रूम। इसके बाद में किचन जहाँ हम खाना बनाते हैं, KITCHEN, किचन। इसके बाद में हमारा कौन सा रूम होता है बच्चों? डाइनिंग रूम जहाँ हम खाना खाते हैं, DINING, डाइनिंग रूम। देखिए सब में रूम तो सेम ही है, हमें सिर्फ रूम की एक स्पेलिंग याद रखनी है और बाकी तो छोटी छोटी है। BATH, बाथरूम जहाँ हम नहाते हैं। उसके बाद में STUDY, स्टडी रूम।
कौन सा STUD बाय स्टडी रूम। इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें हम पढ़ाई करते हैं BED बेडरूम, जहां हम हमारा रेस्ट करते हैं। तो आई होप बच्चों आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ आया होगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब आप आपकी बुक्स देखें तो आप ये चीज़ रीड करने की कोशिश करें, ये चीज़ आप रीड करेंगे तो आपको पूरा चैप्टर अच्छे से याद आ जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू।